नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारा राशि धाम यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि फल के बारे में कि यह दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा किन किन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या है दोस्तों वीडियो तो के अंत में हम आपको ये उपाय बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर बना सके दोस्तों तो आपकी भी राशि तुला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी, भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज किसी महत्वपूर्ण कार्य की रूपरेखा बनेगी आय और व्यय में समानता बनी रहेगी कुछ समय आत्मन में भी जरूर व्यतीत करें इससे आपको कोई उलझे हुए कार्यों को व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य के प्रति प्रयासरत थे आज आपकी मेहनत और लगन के प्रत्याशित लाभ मिलने वाले हैं कुछ समय धार्मिक व समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग में भी व्यतीत होगा युवा और अन्य क्षेत्र संबंधी जानकारियाँ हासिल करने में भी रुचि रखेंगे पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मसला आज सुलझ सकता है आपसी संबंध में भी पुनः मधुरता आएगी पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी आज किसी नज़दीकी संबंधी का घर में आगमन होगा जिससे दिन सुखनामा व्यतीत होगा तथा तो पुरानी स्मृतियां ताज़ा होने से मन प्रफुल्लित रहेगा किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श होने से आपकी कोई चिंता भी दूर हो सकती है दोस्तों तो आज कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ में मुलाकात का अवसर बनेगा तथा आपसी वार्तालाप द्वारा बेहतरीन नतीजे भी सामने आएंगे दिन का कुछ समय घर की गतिविधियों और बच्चों की समस्याओं को व्यस्त रखने में भी समय व्यतीत करें मित्रों के साथ मौज मस्ती और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा और इससे रोजमर्रा की व्यवस्था दिनचर्या में कुछ बदलाव शकुन भी आएगा अब अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को निखारने के लिए कुछ खास नियम भी बनाएंगे कुल मिलाकर दिन सुखद व्यतीत होगा दोस्तों तो परिवार परिवारजनों के साथ मनोरंजन और घर की देखरेख में अधिकतर समय व्यतीत होगा सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा तो आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आएगा अगर कोर्ट के संबंधी कोई कार्रवाई चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है दोस्तों तो आपके नेगेटिव की बात करें तो व्यक्तिगत व्यवस्था के साथ साथ घर परिवार की व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है किसी भी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास न करें न ही उनकी बातों में आए क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है खर्चों पर काबू रखें कहीं भी पैसा निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा अवश्य करें किसी नजदीकी मित्रों और संबंधियों के साथ संबंध खराब न हो और इसके लिए आपको ही उचित प्रयास करने होंगे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें तभी आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे तनाव हावी होने से इसका दुष्प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा इसलिए सभा में सहायता बनाकर रखें किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखें क्योंकि कोई भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना नहीं है बल्कि नुकसान की स्थिति बन रही है ध्यान रखें कि बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है इसलिए अपने व्यवहार के प्रति मनन और चिंतन भी जरूर करें धार्मिक गतिविधियों में दिखावे जैसी प्रवृत्ति से दूर रहें दोस्तों किसी कार्य में अचानक ही कुछ व्यवधान आने से नुकसान हो सकता है वह और गुस्से की स्थिति अपने स्वभाव पर न आने दें इसे नजदीकी लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं भूमि संबंधी कार्य में ज्यादा लाभ की उम्मीद न रखें भाइयों अथवा किसी नजदीकी संबंधी के साथ किसी पारिवारिक समस्या को लेकर मनमुटाव बढ़ सकता है दूसरों के निर्णय को ज्यादा प्राथमिकता न दें अन्यथा आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं दोस्तों कुछ लोग आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा रखेंगे परन्तु तो इन सब बातों पर ध्यान न देकर आप अपने कार्य में ही ध्यान दें आर्थिक को ठीक रखने के लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है युवा नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्रों से दूरी बनाकर रखें दोस्तों व्यवसाय में किसी नए कार्य संबंधी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर पहले उचित सोच विचार अवश्य करें वरना दिक्कतें आएगी व्यावसायिक स्थल पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि आपकी जरासी लापरवाही कार्य क्षेत्र की व्यवस्था को भंग कर सकती है सहयोगी और कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें साझेदारी के व्यवसाय में भी आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें नौकरी पैसा लोगों को उच्च अधिकारियों किसी बात पर तनाव रह सकता है गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें पैतृक समस्या संबंधी कामों में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे परिवार के वारिष्ठ व्यक्तियों के सहयोग व सलाह आपको काम करने में मदद करेगी इस समय साझेदारी संबंधी बिजनेस में भी लाभदायक स्थितियाँ बन रही है दोस्तों मार्केटिंग संबंधी कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी परंतु अपने गतिविधियों और योजनाओं को किसी के समक्ष उजगार करें। और न करें अन्यथा कोई आपकी कार्य प्रणाली की नकल कर सकता है नौकरी पैसा लोग अपनी फाइलों और डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखें दोस्तों व्यवसाय में किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए अनुकूल समय है साथ ही आपने काम में बदलाव संबंधी जो नीतियाँ बनाई है वह सकारात्मक साबित होगी कार्य प्रणाली में भी सुधार आएगा नौकरी पेशा लोगों के ऊपर आज कोई खास अथॉरिटी आ सकती है व्यवसाय में अभी गतिविधियाँ पूर्वतः ही चलेंगे ज़्यादा सुधार आने की उम्मीद नहीं है धैर्य और स्वयं से आप व्यवस्था को उचित बनाकर रखने में समक्ष रहेंगे नौकरी पेशा व्यक्ति ध्यान दें कि फाइल वर्क में गलती होने की आशंका है व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधी कार्य में अधिक ध्यान दें पेमेंट यादि कलेक्ट करने का उत्तम समय है अधिक कामयाबी की चाह में किसी गलत रास्ते का चुनाव न करें राजकीय काम थोड़ी सी बधाएँ के उपरांत पूरे हो जाएंगे दोस्तों आपके लव लाइफ में पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और अनुशासित रहेगा युवा वर्ग प्रेम संबंध में अपना समय नष्ट न करें अपने करियर पर ध्यान दें जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग और सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगा प्रेम संबंध में भी भावनात्मक भा नजदीकियाँ बढ़ेगी पारिवारिक जीवन सुखद और सुखनामा रहेगा प्रेम संबंध में भी प्रगड़ता बनी रहेगी पारिवारिक व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण बनी रहेगी प्रेम संबंधों से दूर ही रहें तो उचित है दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बातों को तुलना न दें वरना घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है दोस्तों दाम्पत्य जीवन में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी सिर्फ ध्यान रखें कि बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करना आपके लिए नुकसानदार रह सकता है इसलिए अपने व्यवहार के प्रति मनन और चिंतन में भी जरूर व्यतीत करें धार्मिक गतिविधियों में दिखावे जैसी प्रवृत्ति से दूर रहें दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा कभी कभी आपकी विचलित मानसिक स्थिति का सकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है असंतुलित खान पान पर नियंत्रण रखें गैस और पेट में दर्द जैसी शिकायत महसूस होगी आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन की संभावना लग रही है वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखें ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें दोस्तों तनाव और थकान का प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है उसमें खुद के लिए भी व्यतीत करना जरूरी है तो बात करते आपके उपाय के बारे में विवाहित स्त्रियों को लाल रंग युक्त श्रृंगार की चीजें जैसे चुड़िया साड़ी सिंदूर कुमकुम आदि का दान दें ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है इतना ही नहीं जीवन की सभी परेशानी दूर होती है दोस्तों शुक्रवार के दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को पुराने किताबें या पुराने जूते आदि देने से बिगड़ी किस्मत बनती है दोस्तों आप बात आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग हरा है और भाग्यशाली अंक चार है दोस्तों माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद